शीर्ष दफा साहिबा, कहा जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन इस पोजीशन में इस वक्त आपको नजर आ रही है कि वो यूनाइटेड होकर एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू करते नजर आएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, अभी हर जितने भी लोग वोट लेके आते हैं असेंबलियों के अंदर, हर किसी के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना इस वक्त जो है वो एक मुश्किल बन गई है, क्योंकि लोग जो हैं वो दो वक्त की रोटी खाने से इस वक्त जो है ना वो भी बेजार हैं। तो एक अपोजिशन भी मुतहद थी, अब मुतहद अपोजिशन का ये मतलब नहीं होता कि आपके तमाम नजरात एक हो जाएं, मगर ये मतलब होता है कि आपका एंड पॉइंट एक हो। और वो ये है कि इस हुकूमत जो है इसने पिछले डेढ़ से अब तो पहले दो साल होने को आए हैं, तो आप कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक फिगर देख लें, माइक्रो इकोनॉमी देख लें, लोगों के घरों के हालात देख लें, चीनी आटे का बहरान देख लें, दालों की कीमत देख लें, गोश्त तो बहुत दूर की बात है। तो आप जिस भी फिगर को उठाएंगी आपको अंदाजा होगा कि इस मुल्क के अंदर मौशी तबाही का आलम है। तो मकसद जो है ऑपोजिशन का वो ये है कि ये इस नालायक और ना अहल हुकूमत जो है, जिसने इतने थोड़े अरसे में गुर्बत की सतह से तकरीबन कोई 60 लाख लोग नीचे चले गए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है कोई 15 लाख बंदा जो है वो अपनी नौकरियां गवा बैठा है, तो इस सारे मामले को हल कैसे करना है? क्योंकि देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अगर इसी रेट से हमारे हालात खराब होते रहे तो उसका हमें रिवाइवल करना जो है वो बहुत ज्यादा और उसकी ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी।